रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा गुण अबाधा बरनब सोई बरबारी अगाधा राम सीय जस सलिल सुधासम उपमा बीचि बिलास मनोरम पुरैन सघन चारु चौपाई जुगति मंजु मनि सीप सुहाई छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अरथ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेब कवित गुण जाती मीन मनोहर ते बहु भांति अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नव रस जप तप जोग बिरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना संत सभा चहु दिसी अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई भगति निरूपण
विविध विधाना क्षमा दयादम लता बिताना समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना औरों कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बाहु बरन विहंगा पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चार चरित संभारे ते इह ताल चतुर रखवारे सदा सुनहिं सादर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी अति खल जे विषयी बग कागा ते सर निकट न जाही अभागा संबुक भेक सिवार समाना इहां न विषय कथा रस नाना तेहि कारण आवत हिय हारे कामी काक बलाक विचारे आवत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई ना जाई कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बदन बाघ हरि ब्याला गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सैल विशाला बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना